हम सभी चाहते हैं हमारे पास खूबसूरत खूबसूरत से फ्लावर हो दोस्तों। सो गुडेल हिबिस्कस एक बहुत ही प्यारा प्लांट है हमारे गार्डन में ऐड टू करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर देता है। और फ्रेंड्स, इसके फ्लावर अनगिनत वैरायटी में आते हैं और मल्टीपल कलर्स में आते हैं और मल्टीपल शेप एंड साइज में आते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे पास एक पर्पल कलर का फ्लावर है जो कि आज ब्लूम कर चुका है और मुझे आज ये आप लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कल ये ब्लूम हट जाएगा, क्योंकि गुडेल का फ्लावर सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ बातें करते हैं इसके ऊपर। और साइड में एक और प्लांट है हिबिस्कस का, जिसकी लीव्स इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती है दोस्तों, तो उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों हमारे पास कौन कौन से कलर अवेलेबल रहते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे पास जो बेसिक नर्सरी होती है, जो छोटी सी नर्सरी होती है, उसके पास रेड कलर का फ्लावर और ऑरेंज कलर का फ्लावर आपको मिल ही जाएगा। अगर आप थोड़ी सी बड़ी नर्सरी पर जाते हैं तो आपको वो बहुत सारे कलर वाले फ्लावर वाले प्लांट हिबिस्कस के प्लांट दिखा देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है कौन सा फ्लावर कौन सा कलर देगा, तो फ्रेंड्स आप लीफ को देखें, लीफ का साइज देखें आप। इसमें छोटे साइज है बट अलग ही शेप है इसका। सो फ्रेंड्स, ये कटी हुई लीव्स है जो पर्पल कलर का फ्लावर देगी। और फ्रेंड्स, एक हमारे पास है छोटी पत्ती वाला, फ्रेंड्स ये बादाम के कलर का फ्लावर देता है दोस्तों, बादामी कलर है, बट इसने फ्लावर देना बंद कर दिया है। हम उस पर भी बात करेंगे दोस्तों, क्यों बंद कर दिया है। फ्रेंड्स, हिबिस्कस प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अगर सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स होगी तो हिबिस्कस कंटिन्यूसली फ्लावर देगा और बहुत ज़्यादा फ्लावर देगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले तो एक बड़ा पॉट चाहिए। अगर छोटे पॉट में रखोगे, जिस तरह हमने हमारे पास वाले प्लांट को एक छोटे से पॉट में बॉन्साई बनाने का ट्राई करा तो इसने फ्लावरिंग देना बंद कर दिया। अगर हम बड़ा पॉट देंगे तो सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट रहेगी और आपको इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद मिलानी है। फ्रेंड्स, वर्मी कंपोस्ट अगर आप डालते हैं और अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गोबर की खाद डालिए, आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपको रिजल्ट नज़र आने लग जाएगा, क्योंकि गोबर की खाद रिच इन न्यूट्रिएंट होती है। फ्रेंड्स, उसके अंदर NPK इक्वली होता है, 3:1 का ऐसा कोई रेशियो होता है। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी NPK के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अगर आप बड़ा पॉट देंगे और उस पॉट के अंदर वेल ड्रेन सॉइल रखेंगे, वेल ड्रेन का मतलब है आप उस सॉइल के अंदर थोड़ी सी रेती मिला दीजिए। अगर रेती मिला देंगे तो सॉइल बिल्कुल भी वाटर स्टे नहीं करेगी और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पानी बिल्कुल भी स्टे नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, दो बातें हो गई, एक तो बड़ा पॉट हो गया और एक रेती मिलानी है सॉइल के अंदर। अब तीसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि हिबिस्कस के प्लांट को सनलाइट बहुत पसंद है, अगर सनलाइट मिलेगी कंटिन्यूसली तो वो फ्लावरिंग करेगा। फ्रेंड्स, सनलाइट आप जितनी दे सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे पास एक हिबिस्कस का प्लांट है और वो काफ़ी बड़ी जगह पर है, सॉइल में लगा हुआ है, गार्डन सॉइल में लगा हुआ है, और वो बहुत ज़्यादा 20 से 30 फ्लावरिंग करता है। हमने वो प्लांट आपको एक वीडियो में बताया भी है, अगर आप चाहते हैं तो हम फिर से एक बार और दिखा देते हैं आपको। फ्रेंड्स, ये हमारा बड़ा सा हिबिस्कस का प्लांट है जो काफ़ी वाइड एंगल में फैला हुआ है और फिलहाल इसने 2 फ्लावरिंग दी है, क्योंकि अभी सनलाइट बहुत कम आ रही है। बाकी इसमें बर्ड्स बहुत सारे हैं, अगर आप ट्राई करेंगे बर्ड्स देखने का तो वो भी दिख जाएंगे आपको। ये एक बार में 20 से 30 फ्लावरिंग करता है और हमारे पास काफ़ी सारे रेड कलर के फ्लावर अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर प्लांट को हम सॉइल में गार्डन में लगाएंगे हमें बहुत सारे फ्लावर मिलेंगे, और अगर वो पॉट के अंदर है दोस्तों तो आपको बड़ा पॉट देना है हिबिस्कस के अंदर। हम इस फ्लावर वाले प्लांट के साथ बहुत अच्छा काम करने वाले हैं दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस प्लांट के साथ एक एक्सपेरिमेंट होने वाला है दोस्तों, सो स्टे ट्यून, हमारे साथ बने रहिए। और मैं आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा जो हमने एक बोगनविलिया के साथ करा था। सो फ्रेंड्स, ये था एक शॉर्ट वीडियो, क्योंकि फ्लावरिंग ब्लूम कर चुके थे तो हमें वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। बाकी ये एक दिन में अगर ब्लूम करके ख़त्म हो जाते तो मैं आपको ये शो नहीं कर पाता, बट दोस्तों इसके बेस पर और फ्लावर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कली नज़र आ रही है। सो फ्रेंड्स, कलियाँ तो आएगी। सो फ्रेंड्स, हम ट्राई करेंगे हमारे पास 3 से 4 डिफरेंट कलर के फ्लावर हो
और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का, उसमें हम कुछ ट्रिक्स करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये फ्लावर अच्छा लगा हो तो ज़रूर ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।